चाहे आप 14 साल के हो या 40 साल के, वर्ल्ड वाइड रिसर्च हमें बताती है कि आज की डेट में हर किसी की सेक्स ड्राइव कम होती जा रही है। आपने टीवी सीरियल्स और फिल्मों में तो ये रेफरेंस देखा ही होगा। ब्राइड अपनी वेडिंग नाइट पे एक बड़ा सा दूध का ग्लास लेके जाती है जिसमें बादाम और केसर होता है। लेकिन क्यों? क्या आमंड और सैफरिन, ये दो इंग्रेडिएंट्स सच में हमारी सेक्स लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं, नहीं मानता। वैसे तो ये रिचुअल सदियों से चला आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स की तरह किसी ने हमें इसका साइंटिफिक रीजन कभी नहीं बताया। वैसे जो केसर और बादाम का दूध पिलाने की जो ये रीत है वो कामासूत्रा के टाइम से आती है। इनफैक्ट कई लोग इसमें सौंफ, शहद, ये इस टाइप के इंग्रेडिएंट्स भी मिलाते हैं। बेसिकली द आइडिया इज टू इंक्रीज योर स्टैमिना, योर एनर्जी फॉर द वेडिंग नाइट। आजकल की फॉरवर्ड लाइफ में हमें इतना स्ट्रेस होता है, ऊपर से हम जंक फूड खाते हैं, वी कंज्यूम अल्कोहल और दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। इन सारे रीजंस की वजह से प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में हमारी जनरेशन की सेक्स ड्राइव काफ़ी कम होती जा रही है। इंसानों के लिए सेक्सुअल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी ओवरऑल सेहत, हैप्पीनेस और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव करती है। सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बट ओवरऑल स्ट्रेस को भी ये कम रखती है आपके लाइफ, और इनफैक्ट आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, आपके दिमाग को भी ये शार्पन करती है। इसलिए ये एक अच्छा मार्कर है ये बताने के लिए कि आपकी ओवरऑल सेहत अच्छी है या नहीं। 2022 के एक इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल में डॉक्टर संजय कुमावत, जो एक साइकाइट्रिस्ट भी हैं और सेक्सोलॉजिस्ट भी, उन्होंने कहा कि कोविड-19 वायरस के बाद लोगों में, स्पेशली मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन की कमी हो गई है और उनकी सेक्स ड्राइव कम होती दिख रही है। इसके अलावा वायरस के दौरान बहुत लोगों में एंग्जाइटी और डिप्रेशन देखा गया, जिसकी वजह से भी लोगों का सेक्स में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। इनफैक्ट कोविड से पहले भी US, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देशों में बहुत सारी स्टडीज़ हुई जिसमें पता चला कि चाहे बड़े बूढ़े हों या टीनेजर्स, पिछले 30 सालों में लोगों की सेक्स ड्राइव और सेक्सुअल एक्टिविटी इन जनरल कम होती जा रही है। तो अब आप बताइए सल्यूशन क्या है? क्या केसर और बादाम का दूध अगर पूरा देश भर पिएगा तो इससे ये लो सेक्स ड्राइव की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी? क्या इसकी वजह से हमारा ओवरऑल एनर्जी और स्टैमिना इम्प्रूव हो जाएगा? तो सैफरिन यानी कि केसर आपकी सेक्स लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है? अगर बात डिप्रेशन को भगाने की और मूड को अच्छा करने की है तो हाँ, ज़रूर केसर आपकी सच में इसमें मदद कर सकता है। कई सदियों सालों से अरब देशों में और इंडिया में भी केसर को यूज़ किया जाता है लो सेक्स ड्राइव को ट्रीट करने के लिए। वो कैसे? क्योंकि ये डिप्रेशन को भगाता है और मूड को अच्छा करता है। इनफैक्ट बहुत फेमस कहानियां हैं इजिप्ट की महारानी क्लियोपैट्रा की, जो पावर के लिए बड़े बड़े देशों के राजाओं को रिझाती थी। ये भी केसर को यूज़ करती थी अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए और रोमांस के लिए। मेडिकल न्यूज़ टुडे का कहना था कि जिन महिलाओं ने 30 मिलीग्राम केसर हर रोज़ कंज्यूम किया, उनका सेक्स ड्राइव और वजाइनल लुब्रिकेशन दोनों ही इम्प्रूव हुआ। अब ये प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन रिसर्च तो यही कहती है। यही नहीं, आयुर्वेद में बहुत सारे वैद्य भी और कुछ विदेशी डॉक्टर्स भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को मेल्स में ट्रीट करने के लिए केसर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी वेस्टर्न स्टडीज़ भी बताती हैं कि जो केसर होता है ये आपकी एनर्जी को बढ़ाता है और मूड को भी अच्छा करता है। इसमें एक जो कंपाउंड होता है जिसका नाम है क्रोसिन, वो एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है, एंटी एंग्जाइटी का भी काम करता है एंड ओवरऑल सेक्सुअल मोटिवेटर का काम करता है। इनफैक्ट मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ। मैं रिसेंटली दुबई गई थी, वहाँ पर मैं एक अफगानी पठान से मिली। वो मुझे केसर बेचना चाहता था, काफ़ी अच्छा ईरानी केसर था, और मैं तो वैसे खीर और ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद करती हूँ तो मैं तो वैसे ले ही लेती, लेकिन उसने मुझसे कहा कि केसर को ऐसे कूट के इस्तेमाल करना चाहिए, केसर को लेके इसको रात भर दूध में भिगोइए और सुबह फिर अपने हस्बैंड को पिलाइए, और ये करने के बाद आप जब बहुत दिनों तक आप ऐसा करोगे, यू नो, एक दो हफ्ते तक ऐसा करोगे
तो जब आप डिफरेंस देखोगे तो आप वापस आओगे ये केसर मुझसे फिर से लेने के लिए। तो मुझे उस समय बड़ी हंसी आई, बट दैट वॉज वॉट इंस्पायर्ड मी टू एक्चुअली रिसर्च मोर अबाउट केसर एंड एक्सप्लोर दिस टॉपिक विद यू गाइज। अगर आप दूध कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट अ डेयरी फ्री ऑप्शन, तो आप केसर को बादाम के साथ कूट के या पीस के रात भर भिगो सकते हैं और फिर सुबह उसको स्ट्रेन करके या स्मूथ पेस्ट बना के उसको सुबह भी खा सकते हैं। सो दिस बिकम्स लाइक एन आमंड मिल्क सैफ्रन के साथ का ऑप्शन, जिसमें आपको दूध भी कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जब आप केसर को यूज़ करें तो उसको जो मोटर पेसिल होता है या जो खल्लड़ मूसर होता है उससे क्रश करें, और उसके साथ कुछ बादाम भी डालें उनको भी क्रश करें और रात भर उसको भिगोएं और फिर सुबह इस्तेमाल करें। रात भर भिगोने से उसकी जो पोटेंसी होती है, उसका जो इफेक्ट होता है, वो अच्छे से जो लिक्विड है उसमें आ जाता है, एंड देन यू कैन ड्रिंक इट इन द मॉर्निंग। अब बात करते हैं बादाम की। आप सभी जानते हैं कि बादाम हमें ढेर सारी एनर्जी देता है। इवन जब हमें कोई काम करना होता है, इम्पॉर्टेंट एग्जाम देना होता है या फिर एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं रात भर बादाम भिगो के सुबह 2-3 बादाम खाओ तो उससे बड़ा अच्छा असर पड़ता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट सेक्स लाइफ और सेक्स ड्राइव, आमंड्स आर नोन फॉर बीइंग एन एफ्रोडिजियाक। अब ये एफ्रोडिजियाक क्या है? एफ्रोडिजियाक्स आर फूड्स दैट एक्चुअली इम्प्रूव योर सेक्स ड्राइव और इंक्रीज योर डिज़ायर फॉर सेक्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कामोद्दीपक। बादाम तो सदियों से एक सिंबल ऑफ फर्टिलिटी है। इनफैक्ट एक फ्रेंच ऑथर थे अलेक्जेंडर दुमास, उनकी 40 मिस्ट्रेसेस थी, और हर रात को वो अपनी एक मिस्ट्रेस से मिलने से पहले बादाम का शोरबा या बादाम का सूप ज़रूर पीते थे। बादाम में विटामिन ई होता है जो सेक्स हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ विटामिन बी, जिंक, सिलीनियम, ओमेगा फैटी एसिड्स, बहुत सारे हेल्दी फैट्स। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी और फर्टिलिटी, स्टैमिना सबको इम्प्रूव करने में। बेसिकली आपकी सेक्सुअल हेल्थ और फर्टिलिटी के लिए बादाम बहुत ही अच्छे हैं। वैसे बादाम और केसर को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए मुझे तो कोई बहाना नहीं चाहिए। चाहे फिरनी में डाल दो, चाहे कुल्फी में, चाहे रबड़ी में, चाहे आइसक्रीम में, केसर और बादाम तो यमी टेस्ट करते हैं हमेशा। लेकिन दीज एडिशनल बेनिफिट्स, यू नो, जो ये मूड अच्छा करते हैं, इनसे एनर्जी बढ़ती है, सेक्स ड्राइव बढ़ती है, दैट इज़ एन एडिड बेनिफिट, जिसकी वजह से रोज़ अगर आप केसर और बादाम का दूध पियोगे तो इट्स गुड फॉर यू एंड गुड फॉर योर फैमिली। अदर देन दिस, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में और आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, शतावरी है, सफ़ेद मूसली है, योगशुरा है। ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती हैं आपकी ओवरऑल सेक्स लाइफ और सेक्स ड्राइव को इम्प्रूव करने में। अगर आप इस वीडियो का एक पार्ट 2 देखना चाहते हैं इन सारे बाकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द ये वीडियो बनाने का।